यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। लॉरेंस बिश्नोई ने एक हफ्ते से पूरे देश में हड़कंप मचा रखा। मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर और सलमान खान पर नए खतरे के बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस केस को लेकर मुंबई पुलिस देश भर के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है, क्योंकि अब तक 3 शूटर फरार हैं। लेकिन इस बीच मुंबई पुलिस को यह खबर मिली कि बिश्नोई गैंग का एक गैंगस्टर हरियाणा के पानीपत में छुपा हुआ है, जिसने सलमान खान की सुपारी ली। यह जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस पानीपत पहुंची, जहां हरियाणा पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन में सुखा नाम के इस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 6 महीने पहले 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर जो हमला हुआ था, उसके लिए हथियार सुखा ने ही दिए थे। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भरोसेमंद शार्प शूटर है, जो गैंग के लिए नए शूटर्स और हथियारों का इंतजाम करता है। 14 अप्रैल की घटना के बाद से ही पुलिस को इसकी तलाश थी, लेकिन ये पिछले 6 महीने से अपने ठिकाने बदल रहा। कल इसकी लोकेशन मुंबई पुलिस को पता चल गई और आज सुबह सुबह इसे पकड़ लिया गया। सुखा की गिरफ्तारी के बाद अब इसे मुंबई ले जाया जा रहा है, जहां पुलिस इसे रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। लेकिन आज सुबह पानीपत से इसे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अरेस्ट किया गया, क्योंकि अरेस्ट करते समय पुलिस ही इसे पहचान नहीं पाई। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर जिन 2 शूटर्स ने हमला किया था, उनसे ही सुखा के बारे में जानकारी मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इसके मोबाइल नंबर और IMEI नंबर को सर्विलांस पर डाला। कल रात को पुलिस को सुखा के मोबाइल की लाइव लोकेशन पानीपत के एक होटल में मिली। लेकिन आज सुबह करीब 10 बजे जब पुलिस की टीम इस होटल में पहुंची, तो सुखा को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि पिछले 6 महीने से इसने अपने बाल और दाढ़ी बनाई ही नहीं। इसका हुलिया देखकर पुलिस को थोड़ी देर के लिए शक हुआ कि गलत आदमी को तो नहीं उठा लिया। हालांकि शुरुआती पूछताछ में सुखा ने बता दिया कि वो लॉरेंस गैंग से काफी समय से जुड़ा हुआ और इसका नेटवर्क कई गांवों में फैला है, जिसमें कई लड़के शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सुखा ने ही सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वालों को हथियार दिलवाए थे। सुखा की गिरफ्तारी से पुलिस को एक और अहम जानकारी हाथ लगी। दरअसल साल 2022 में लॉरेंस और गोल्डी बरार के इशारे पर ही सुखा ने मुंबई में सलमान खान के पनवेल वाले फार्म हाउस की रेकी की। इस दौरान सलमान के मूवमेंट की जानकारी रखने के लिए बांद्रा वाले घर गैलेक्सी अपार्टमेंट, पनवेल के फार्म हाउस और शूटिंग लोकेशन पर 60 से 70 लोगों को काम पर लगाया गया। इस पूरी रेकी के बाद सलमान पर अटैक का काम सुखा को ही सौंपा गया था, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। इसके बाद सुखा ने यह काम दूसरे नए शूटर्स को सौंप दिया, लेकिन सलमान खान की सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी को देखते हुए ये शूटर्स भी सलमान पर डायरेक्ट हमला नहीं कर पाए, इसलिए गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला करके फरार हो, लेकिन कुछ दिन बाद पकड़े गए। पुलिस भी मानती है कि सुखा की गिरफ्तारी से सलमान खान पर खतरा कम नहीं हुआ, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में ऐसे बहुत से शूटर शामिल हैं जिनका पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं है। हैरानी की बात यह भी कि बाबा सिद्दीकी पर जिन शूटर्स ने हमला किया, उनमें से 2 शूटर ने YouTube देखकर बंदूक चलाना सीखा था। लॉरेंस गैंग में शूटर कहां से आते हैं, कब गायब हो जाते हैं, इसके बारे में पक्की जानकारी किसी के पास नहीं होती। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर में एक शूटर को पकड़ा था। यह शूटर लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग के लिए काम करता है। इस शूटर ने लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर दिल्ली के बिजनेसमैन का मर्डर किया था और इसके बाद मथुरा फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई व्यापारी से फिरौती मांग रहा था। इस शूटर ने गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे किए, वो हैरान करने वाले। पहले आप इसे सुनिए, इसके बाद आपको यह भी बताऊंगा कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेंस बिश्नोई से क्यों मिलना चाहती। मैं आसिफ बाबा गैंग में हूँ। अच्छा। वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाता। वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। अरे क्या कहते हैं, ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। इस शूटर के बयान से एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई एक गैंग नहीं है, उसके लिए अलग अलग राज्यों में कई गैंग काम कर रहे हैं।
यही बात मुंबई पुलिस की चार्जशीट में भी सामने आई है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में यह खुलासा हुआ कि सलमान खान को मारने की प्लानिंग अगस्त 2023 और अप्रैल 2024 के बीच रची गई। इस काम के लिए आरोपियों ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हायर किया। इसमें शूटर्स को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई। इसके अलावा सलमान खान की बुलेट प्रूफ सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान से AK-47, AK-92 और M16 जैसी राइफल खरीदने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से हथियार मंगाने के लिए सुखा ने ही पाकिस्तान के आर्म डीलर से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। इस डील में सुखा ने 50% एडवांस पेमेंट और बाकी का पेमेंट भारत में डिलीवरी देने पर तय किया था। इस चार्जशीट में इस बात का भी पता चला कि सलमान खान पर फायरिंग करने के बाद शूटर्स का स्किप प्लान भी बनाया गया था, मतलब कैसे भागना है उनको। इसमें सभी को कन्याकुमारी में इकट्ठा होने के बाद बोट से श्रीलंका भेजे जाने का प्लान था। इस चार्जशीट के खुलासे के बाद सलमान खान के दोस्त और उनके फैन बहुत घबरा गए, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक है। इसके अलावा जिस तरह उसने सलमान खान को मारने की खुली धमकी दी है और 14 अप्रैल को हमला करवाया था, उससे यह बात साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का खतरा सलमान खान पर बना हुआ है। यही वजह है कि सलमान खान की चिंता करने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई से बार बार अपील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले राखी सावंत ने लॉरेंस से माफी मांगी थी। अब सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने लॉरेंस बिश्नोई से बात करने की अपील की। 1992 में सोमी अली सलमान खान के साथ एक फिल्म कर रही थी। इसी दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई, लेकिन जैसे ही सोमी अली को लॉरेंस बिश्नोई के बारे में पता चला तो उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से मिलने का टाइम मांग लिया। सोमी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा कि नमस्ते लॉरेंस भाई, सुना भी है और देखा भी है कि आप जेल से भी जूम कॉल कर रहे होते हैं, मुझे आपसे कुछ बातें करनी, कृपया करके मुझे बताएं कि यह कैसे हो सकता है। हमारी पूरी दुनिया में सबसे पसंद की जगह राजस्थान है, हम आपके यानी बिश्नोई समाज के मंदिर आना चाहते हैं पूजा के लिए, पर पहले जूम कॉल हो जाए, पूजा के बाद आपसे बात करना चाहती हूं। यकीन मानिए कि ये आपके फायदे की ही बातें हैं, अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, बड़ा एहसान होगा आपका, शुक्रिया। सोमी अली ने यह पोस्ट इसलिए लिखी है क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ महीने पहले यह कहा था कि अगर सलमान खान राजस्थान के बीकानेर में आकर बिश्नोई समाज के मंदिर में पूरे समाज से माफी मांगे तो उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं ये अभी कहना मुश्किल है। पाठशाला में अच्छा वो गैंग भी लॉरेंस बिश्नोई चलाता, वो तो कुछ लोग बीच में आ रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो कोई बाबा सिद्दीकी कोई सही आदमी थोड़ी नहीं था, उसके ऊपर मकोका का केस लगा हुआ है। अब आम आदमी पे तो मकोका का केस लगेगा नहीं, और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था। इस बारे में तो सर मैं हकीकत बात बताऊं तो सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। अरे क्या कहते हैं ये फोन चल रहा है, नेट है, गूगल है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगला निशाना तो देखो, हम तो जा रहे हैं जेल, अब पता नहीं कौन क्या कर रहा है। इस शूटर के बयान से एक बात तो साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई की कोई एक गैंग नहीं है, उसके लिए अलग अलग राज्यों में कई गैंग काम कर रहे हैं। यही बात मुंबई पुलिस की चार्जशीट में भी सामने आई है। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में यह खुलासा हुआ कि सलमान खान को मारने की प्लानिंग अगस्त 2023 और अप्रैल 2024 के बीच रची गई। इस काम के लिए आरोपियों ने 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हायर किया। इसमें शूटर्स को 25 लाख रुपए की सुपारी दी गई। इसके अलावा सलमान खान की बुलेट प्रूफ सुरक्षा को देखते हुए पाकिस्तान से AK-47, AK-92 और M16 जैसी राइफल खरीदने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से हथियार मंगाने के लिए सुखा ने ही पाकिस्तान के आर्म डीलर से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी। इस डील में सुखा ने 50% एडवांस पेमेंट और बाकी का पेमेंट भारत में डिलीवरी देने पर तय किया था। इस चार्जशीट में इस बात का भी पता चला कि सलमान खान पर फायरिंग करने के बाद शूटर्स का स्किप प्लान भी बनाया गया था, मतलब कैसे भागना है उनको। इसमें सभी को कन्याकुमारी में इकट्ठा होने के बाद बोट से श्रीलंका भेजे जाने का प्लान था। इस चार्जशीट के खुलासे के बाद सलमान खान के दोस्त और उनके फैन बहुत घबरा गए, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनेक्शन पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक है। इसके अलावा जिस तरह उसने सलमान खान को मारने की खुली धमकी दी है और 14 अप्रैल को हमला करवाया था, उससे यह बात साफ है कि लॉरेंस बिश्नोई का खतरा सलमान खान पर बना हुआ है। यही वजह है कि सलमान खान की चिंता करने वाले लोग लॉरेंस बिश्नोई से बार बार अपील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले